ये देखिए कितनी सॉफ्ट केक बनी है हम लोग की, वो भी कुकर में। क्या आपको लगता है ये बिना अंडे की बनी होगी? इतना सॉफ्ट केक आपने कभी देखा है बिना अंडे का? आज देख लिया ना, अब बनाइए आपके घर पर। और मेरे चटोरों कैसे हैं आप? आज हम लोग बनाएंगे केक कुकर में बिना अंडे के। लेकिन सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये होगी एकदम रूई जितनी सॉफ्ट। आपको बस बोल के नहीं दिखाता हूँ, मतलब दबा कर भी दिखाता हूँ। ये केक को आप देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, और साथ में इसका कलर भी देखिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पीली है या फिर बहुत काली है, एकदम सफ़ेद रंग की है। एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज केक है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हो चाय के साथ, या फिर आप इसे है ना अच्छे अच्छे केक बना सकते हो। ब्लैक फॉरेस्ट हो गई, पाइनएप्पल हो गई, जो भी आपकी मर्जी हो। अभी के लिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं भाइयों। सबसे पहले हम लोग लेंगे कुकर, बड़ा वाला कुकर ले रहा हूँ मैं घर में, जो भी था 7-8 लीटर का कुकर है ये। इसके नीचे हम लोग डाल देंगे नमक, लगभग 200 से 250 ग्राम जितना नमक है। और नमक बहुत ज़रूरी है बिना ओवन की कोई भी केक बनाने में या पाव बनाने में। और नमक डालने से क्या होता है, जो हीट होती है यानी जो गर्माहट होती है गैस की, वो कुकर के अंदर चारों तरफ इवनली होती है, तो ओवन जैसी बेकिंग हो जाती है भाइयों। तो नमक डालना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे एक प्लेट, आप कोई भी छेद वाली प्लेट यूज़ कर सकते हो। और प्लेट के ऊपर मैं एक डाल दूंगा वायर स्टैंड, यानी जो पतीले के नीचे हम लोग स्टैंड रखते हैं ना, वो स्टील वाला लगा रहा हूँ मैं। इसको ढककर हम लोग गरम करेंगे लगभग 10 मिनट तक। जब तक गरम हो रहा है केक का बैटर बना लेते हैं। और हाँ, वो जो नमक डाला था ना हम लोग ने, वो आप वापस वापस बेक करने में यूज़ कर सकते हो कुकर के अंदर। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बोल, तो इस बोल में मैं डाल दूंगा बटर यानी मक्खन, 3 चम्मच जितना मक्खन है समझिए, लगभग 40 ग्राम के जितना बटर है। और उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें तेल, वापस 3 चम्मच जितना तेल है। तेल और बटर दोनों डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बटर से फ्लेवर आता है और तेल से क्या होता है, सॉफ्ट बनती है केक। जब तेल रूम टेम्परेचर में यानी अगर आप डब्बे में तेल रखते हो तो गीला रहता है, तो केक भी गीली रखेगा यानी सॉफ्ट रखेगा। अब हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे चीनी, लगभग 50 ग्राम जितनी चीनी डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और पिसी हुई चीनी यूज़ की है मैंने। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, यानी ये जो विस्क है मेरे पास, इससे अच्छी तरह 1 मिनट तक फेंट लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगा कंडेंस मिल्क यानी मिठाई मेट या मिल्क मेट, आसानी से मिल जाता है मार्केट में आपको, लगभग 250 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क है ये। इस कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह फेटेंगे हम लोग। अब 3-4 मिनट तक कम से कम आपको इसको फेटना है। और मतलब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैं दही से भी केक बनाता हूँ, दूध से भी केक बनाता हूँ, लेकिन कंडेंस मिल्क से बहुत ही अच्छी केक बनती है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कर्नल्स मिल्क से जितनी सॉफ्ट केक बनती है और जितना अच्छा फ्लेवर आता है, वो बहुत मुश्किल है बिना अंडे की केक में लाना। ये देखिए कितना स्मूथ हो चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है हम लोग का मिक्सचर। अब इसको कोने में रखते हैं और दूध ले लेते हैं। तो लगभग वही 250 ग्राम जितना दूध है यानी 1 गिलास जितना दूध है मेरे पास यहाँ पर। इसमें मैं डाल दूंगा विनेगर यानी सिरका, 1.5 चम्मच जितना विनेगर है। चिंता मत कीजिए, आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो, लगभग आप 1 या 1.5 नींबू का रस डाल सकते हो इसमें। इसी दूध में मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी डाल दूंगा। आजकल तो हर किराना दुकान में मिल जाता है वेनिला एसेंस, लेकिन डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अंडों वाले केक में बहुत ज़रूरी होता है। अब इस दूध को हम लोग 5 मिनट के लिए कोने में रख देंगे। और हाँ, ठंडा दूध मत यूज़ कीजिएगा, रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर का दूध यूज़ कीजिएगा। केक बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसकी तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। अब हम लोग है ना मैदा छान लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर छोटा सा छन्नी है, अब बड़ा वाला यूज़ कीजिएगा नॉर्मल वाला। इसमें मैं मैदा डाल दूंगा, लगभग 200 ग्राम मैदा है यानी 1.5 कप जितना मैदा है। इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर है, और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा है। ये तीनों को अच्छी तरह मिलाकर छानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं मिलेगा मैदे के साथ, तो केक अच्छी तरह नहीं फूलेगी। बेकिंग सोडा मतलब हो गया मीठा सोडा यानी खाने का सोडा, और बेकिंग पाउडर तो आपको डब्बों में बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये बिल्कुल छन कर तैयार है। अब हम लोग केक का बैटर फिनिश कर देते हैं यानी बना देते हैं पूरा। तो याद है हम लोग ने बटर, चीनी और कंडेंस मिल्क मिलाया था, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर ये दोनों डालेंगे यानी दूध और मैदा, और अच्छी तरह मिलाते रहेंगे। एक बार में अगर आप सारा डाल दोगे ना, तो लम्स यानी गांठें पड़ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालिए, थोड़ा थोड़ा मैदा डालिए और अच्छी तरह मिलाइए। और ज़्यादा ज़ोर से भी मत मिलाना, ज़्यादा मिला देंगे तो केक थोड़ी सी हार्ड हो सकती है।
यहाँ पर मेरे पास केक का बर्तन है, यानी केक टिन है, 7 इंच की केक टिन है ये। इसके अंदर आप बटर लगा सकते हो चारों तरफ अच्छी तरह, या फिर बटर पेपर भी लगा सकते हो। मैं तो वही बटर पेपर चिपका रहा हूँ, और चिपकाने के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे केक का बैटर। जैसे मैंने कहा, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो, स्टील का या एल्युमिनियम का। मैंने बहुत सारी केक बनाई है स्टील के बर्तन में, मसाले वाले डिब्बे में, पहले बहुत अच्छी बनती है उस पर भी। बस ये ध्यान रखिएगा कि आधे डब्बे से ज़्यादा नहीं भरना है, यानी केक का बैटर आधा बर्तन से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा भर दोगे तो केक ज़्यादा फूल कर बर्तन से ही गिर जाएगी। केक का बैटर इसमें डालने के बाद बिल्कुल तैयार है, अब हम लोग इसको बेक कर लेंगे। तो कुकर बिल्कुल गर्म हो गया होगा, 10-15 मिनट पूरी हो चुकी है। कुकर के अंदर ये हम लोग डाल देंगे, और ध्यान से डालिएगा, कुकर बहुत गर्म रहता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाथ वाथ नहीं जलाना है आपको इस रेसिपी से। इस केक को बनने में लगभग 40 मिनट लगेंगे। जी हाँ, 40 से 45 मिनट आसानी से लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाइए, ज़्यादा लो पे भी नहीं, ज़्यादा हाई पे भी नहीं। और टाइम जो मैं कह रहा हूँ ना, 40 मिनट, इसके साथ मत जाइएगा। 35 मिनट के बाद आप कुकर खोल के चेक कीजिए, देखिए कि केक बन गई है कि नहीं बनी। लगभग 40 मिनट बाद तो मेरी केक बन गई है। कुछ कुछ टाइम इसमें 1-1.5 घंटा भी लग जाता है, लेकिन वो पूरे गैस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी केक तो बनकर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं, और ठंडा होने के बाद मैं इसको केक के बर्तन से निकालूंगा। कलर देखिए ये केक का कितना मज़ेदार आया है, पेपर भी निकाल दिया है मैंने, कितना अच्छा दिख रहा है ना। बिल्कुल बाजार से ऐसा लग रहा है, वो भी अंडे वाला केक लग रहा है, लेकिन हम लोग ने बनाया है बिना अंडे के। इतना सॉफ्ट केक आपने कभी देखा है बिना अंडे का? आज देख लिया ना, अब बनाइए आपके घर पर। तो भाई हम लोग की स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है, और बहुत ही इजी रेसिपी है। जैसे आप लोग ने देखा, आप लोग के बहुत जने की रिक्वेस्ट रहेगी कि यमन कंडेंस मिल्क को स्किप कर सकते हैं क्या? भाई हम नहीं कर सकते हैं। मैं आपको घर में कैसे बनाते हैं कंडेंस मिल्क वो जरूर सिखा सकता हूँ। दूध में आप ऐसे कीजिए, आधे लीटर दूध लीजिए, उसमें ना 1 कप चीनी यानी 200 ग्राम जितनी चीनी मिलाकर कंटिन्यू रबड़ी जैसे पकाइए। आपको चीनी शुरू में ही डालनी है, बाद में नहीं डालनी है, और इसको पकाइए जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए और पूरा पीला ना हो जाए। ठंडा करके आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो कंडेंस मिल्क की जगह। फिर भी अगर आपको वीडियो देखना है कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं घर पर, तो मुझे बोलिए, मैं हूँ ना, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप इस रेसिपी को यानी स्पॉन्ज केक की रेसिपी को जरूर बनाइए आपके घर पर, कुकर में बनाइए, और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसी बनी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे जरूर दबाना, और उसके बगल में एक घंटी भी आएगी फिर, और घंटी को भी एक बार टंग कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। अभी के लिए बाय।